माय नेम इज नलिनी एंड वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं डोसा। कई लोगों ने हमसे ये क्वेश्चन किया कि मेरा डोसा अच्छा नहीं बनता, स्प्रेड नहीं होता। तो अभी तक आप जो साउथ इंडिया में खाते थे, नहीं, अभी तो डोसा सभी जगह पे मिलता है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो या कहीं भी। लेकिन अभी क्या है कि आप बाहर डोसा खाते थे, अभी घर पे भी खा सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं, बिलीव मी। तो आइए देखते हैं ये डोसा कैसे बनता है। हमारे डोसा का बैटर, लेकिन ये गाढ़ा है, हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इस बैटर की कंसिस्टेंसी थोड़ी चेंज करेंगे। इसमें ऐड करेंगे अ पिंच ऑफ सॉल्ट और आधा चम्मच इनो, और इन सारी चीजों को अच्छे से फेंट लेंगे। एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे कुछ ड्रॉप्स ऑयल और उसको टिश्यू पेपर की हेल्प से अच्छे तरीके से तवे पे ऐसे फैला देंगे। हीट मीडियम ही रखेंगे। जब तवा थोड़ा गर्म हो जाएगा तो उस पे हम डालेंगे ये बैटर। बैटर हम बीचों बीच डालेंगे ऐसे, और बहुत ही हल्के हाथों से ऐसे प्रेस करते रहेंगे और पेशेंस लीव्स को ऐसे फैलाते रहेंगे। आप डोसा बड़ा या छोटा बना सकते हैं। और ये देखिए, ध्यान रखेंगे कि लेकिन जो हम ये लैटल यूज किए हैं उसको एक ही डायरेक्शन में यूज करेंगे, लाइक दिस। ये देखिए, उसके बाद हम फ्लेम थोड़ा हाई कर देंगे और उसको थोड़ी देर पकने देंगे। जब इस तरह के ये बबल्स उठने लगेंगे तब हम उस स्टेज पे डालेंगे थोड़ा सा ऑयल या बटर, जो भी आपको पसंद हो, तो ज्यादा यूज नहीं करेंगे। अब इसको हम मीडियम टू लो आंच पे पकने देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे ये आलू, क्योंकि अब हम बना रहे हैं मसाला डोसा, और इसको अच्छे से कर देंगे हम स्प्रेड बीच में। और उसके ऊपर ग्रेट करेंगे हम कुछ चीज या पनीर, लाइक दिस। ये देखिए, वाह। और इसके देखिए साइड्स, जब ये पक जाते हैं तो ये अपने आप ही हट जाता है, और बहुत ही आराम से हम पहले इसको इस साइड फोल्ड करेंगे और उसके बाद धीरे से, ओह वाव, सी कितना अच्छा टेक्सचर आया है। और इसको अब हम सर्विंग प्लेट में पलट लेंगे। अब जब हम दोबारा बनाएंगे तो उस पर कुछ पानी ऐसे स्प्रिंकल करेंगे, और उसके बाद हम टिश्यू पेपर की हेल्प से उसको भी अच्छे से ऐसे स्प्रेड कर देंगे। अब बैटर को हम ऐसे बीचों बीच में डालेंगे और इसको हम ऐसे घुमाएंगे, लाइक दिस। और ध्यान रखेंगे अपना ये जो हमारा कलछी है इसको उल्टा नहीं चलाएंगे, और जितना बड़ा करना हो मन चाहे आकार का, ये देखिए इस तरीके से स्प्रेड कर लीजिए और ये हो गया। और अभी हम इसके ऊपर ऑयल नहीं डालेंगे, जब इसमें बबल्स आने लगेंगे तब इसके ऊपर हम ऑयल का छिड़काव करेंगे। ये देखिए, अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे चारों तरफ, इसके किनारों में भी। मैंने यहाँ ऑलिव ऑयल यूज किया, आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। तवा गरम रहेगा, आप ठंडे तवे पे डोसा नहीं स्प्रेड करेंगे। और इसको कई तरीके से बनाया जाता है, कुछ क्रिस्पी बनते हैं, कुछ मुलायम बनते हैं। अगर आपको क्रिस्पी बनाना हो तो ये जो ऊपर आया है इसको और स्प्रेड कर दीजिए तो वो क्रिस्पी बन जाएगा। और ये देखिए, अब ये पकने लगा है, फ्लेम शुड बी मीडियम टू हाई रहेगा। और देखिए, जब ये पकने लगा तो ये साइड्स छोड़ने लगेगा, और ये कुछ देखिए रेड रेड सा स्पॉट्स आने लगे हैं, ये पकने लगा है। और ये देखिए काफी क्रिस्पी हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, अब जादू। और जादू कैसे करेंगे, ये देखिए, वाओ, देखा आपने कितना क्रिस्पी पेपर डोसा तैयार हुआ है हमारा। और इसमें आप स्टफिंग भर सकते हैं आलू की, और डिफरेंट तरह की पनीर की, जो भी चाहे आप इसमें सेजवान चटनी लगा सकते हैं। और जस्ट इसको फोल्ड करेंगे थोड़ा सा इधर से और थोड़ा सा इस साइड से, लाइक दिस, वाओ। और ये देखिए, इस साइड से मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, और इसको अब हम सर्व करेंगे। देखिए हमारे दोनों क्रिस्पी डोसा कितना प्यारा और सुंदर कलर लेकर के आया है, और इसको सर्व करेंगे कुछ नारियल की चटनी से इस तरीके से, वाह। आप
आपने देखा डोसा बनाते वक्त सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि तवा हमारा अच्छे से ग्रीस हो, हीट अच्छे से हो और उसको कैसे स्प्रेड करना है इसकी एक टेक्निक है, उसमें अपोजिट नहीं जाना है। सर्कुलेट जिस तरफ कर रहे हैं वो एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए। तो अगर आपको मेरा ये इन्फॉर्मेशन कहीं से भी अच्छा लगा हो, मेरा ये वीडियो कहीं भी हेल्प करे, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मैं नलिनी, चाहती हूँ नमस्कार।